बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि यूनिट नंबर 4 के मुतालिक है। इसका टाइटल है फर्स्ट एड। डियर स्टूडेंट, हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब आज हम जो है इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जो है, जो हमने इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें जेरेंड था, जिसमें इन्फिनेटिव था, जिसमें प्रीफिक्स का नॉलेज था, यूज़ ऑफ प्रीफिक्स टू मेक अनदर वर्ड, प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए एक दूसरा लफ्ज़ बनाना था। हम ये सारी चीज़ें जो आज प्रैक्टिकली वाइल रीडिंग द टेक्स्ट भी करेंगे, अपना टेक्स्ट पढ़ते हुए भी जो है आज हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले तो मैंने कुछ एज यूजुअल, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को निकालते हैं, उनका सेंटेक्स डिस्कस करते हैं, उनके सेनोनिम और उनके एंटोनिम्स पे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज भी कुछ वर्ड्स हैं जिनमें वर्ड है, ये पैराग्राफ नंबर 2 में है वर्ड्स। पैराग्राफ नंबर 2 से कुछ वर्ड्स निकाले हैं, जिसमें वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप जो है वो ग्रामेटिकली क्या है, नाउन है। स्क्रैप होता है खराश आ जाना किसी जिस्म पर या किसी आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी पर जो है, कोई कट, माइनर सा कट, हल्का सा कट जो है, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रैप कहेंगे। ये ग्रामेटिकली नाउन है। इसका सिनोनिम है कट और स्क्रैच। आप अक्सर वर्ड स्क्रैच यूज करते हो, इसको स्क्रैच कर दो, ये कॉर्ड है, इसको स्क्रैच क्या करना, खुरचना, मतलब वो हल्की सी खराश। अच्छा, उसके बाद वर्ड है डिवेल्प। डिवेल्प क्या है, ये ग्रामेटिकली वर्ब है, डिवेल्प उजागर करना, टू टैकल, मतलब यहां पर है डिवेल्प अ सेंस, टैकल अ डील, हम इसको जो है इसके सिनोनिम में एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिवेल्प का है एंटोनिम इग्नोर कर देना। उसके बाद वर्ड है टू टैकल, टू टैकल। अब हमने बात की थी इन्फिनेटिव पे, व्हाट इज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया था इज नॉट अ वर्ब इटसेल्फ, इट इज़ अ कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन इन्फिनेटिव, हम इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आज मैं इसको प्रॉपर आपको, आपके सामने इसको डिफाइन भी करूँगा, उस दिन आपको बताई थी। अब इन्फिनेटिव जो है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहली तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत कॉमन है, और इसी एक एग्जाम्पल को जो है, इसी एक इसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है, मतलब उसको ही काउंट किया जाता है, टू के साथ अगर बेस वर्ब आ जाता है, अगर टू के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज टू गो है, टू टैकल है, टू मैनेज है, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये इन्फिनेटिव है। अच्छा, लेकिन नॉट ओनली इफ देर इज अ यूज ऑफ टू विद बेस वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, अगर बेस वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल है, सिर्फ यही एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है इन्फिनेटिव की, बट मॉडर्न एक्जिली वर्ब के बाद जब बेस वर्ब आ जाता है तो वो भी क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे मे, आपको पता है ये मॉडल वर्ब है, उसके बाद ये मैंने वर्ड लिखा दिस मे प्रिपेयर, आपकी बुक में से ही निकाले हैं ये वर्ड, दिस मे प्रिपेयर, तो प्रिपेयर क्या है, ये भी वर्ब है, लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल एक्जिली वर्ब के साथ बेस वर्ब का यूज है, तो वो क्या कहलाएगी, वो भी इन्फिनेटिव कहलाएगी। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी, इस सेंटेंस में भी, दिस में डैमेज है, डैमेज भी क्या है, इन्फिनेटिव। अब हमारे पास कितनी पहचान होगी इसकी, दो, एक तो टू के साथ अगर बेस वर्ब है तो वो भी इन्फिनेटिव है, एक मॉडल एक्जिली वर्ब के साथ अगर बेस वर्ब है तो वो भी इन्फिनेटिव है। अब एक और इसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद बेस वर्ब का यूज है, तो वो भी क्या है, वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर बेस, इसकी एग्जाम्पल आपकी बुक से ही, दीज प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील, अब डोंट मेक द वाउंड हील, ये भी वर्ब डोंट मेक, ये डायरेक्ट,
द वॉन्ट इनडायरेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव। इस तरह से ही मेड मी, ही मेड मी वर्क, ये डायरेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो बेस वर्ब हो, नॉट ओनली इनडायरेक्ट बट डायरेक्ट के बाद भी जो है हम कंसिडर करेंगे। ही मेड मी वर्क, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बेस वर्ब, इस कार्ड इन्फिनिटिव। सो डियर स्टूडेंट, टू के बाद बेस वर्ब है तो इन्फिनिटिव है, मॉडल एक्जिली वर्ब के बाद बेस वर्ब है तो इन्फिनिटिव है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद अगर बेस वर्ब है तो वो भी इन्फिनिटिव ही है। जी, लेट्स मूव। नेक्स्ट वर्ड एक निकाला है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर जो है वो ग्रामेटिकली एडजेक्टिव है, सिनोनिम जो है इसका एनहेंस करना, अप्रोप्रिएट होना, प्रॉपर, सॉरी ये प्रॉपर वर्ड है, प्रॉस्पर नहीं है। जी, प्रॉपर वर्ड है, एडजेक्टिव है, अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है। इसके एंटोनिम में इम्प्रॉपर, प्रॉपर के साथ हमने प्रीफिक्स यूज किया तो एक और वर्ड बना, क्या बना, इम्प्रॉपर। इस तरह से अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट वर्ड है, इसके साथ भी मैंने यहां पे खुद प्रीफिक्स का यूज किया ताकि आपको नॉलेज हो कि कैसे प्रीफिक्स का यूज करके एक और वर्ड बनाते हैं उसी बेस वर्ड से। तो अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, तो ये इसके एंटोनिम भी बन गए। आगे वर्ड है माइल्ड। माइल्ड जो है वो हल्का सा, माइनर, मामूली सा, स्लाइट, लिटल, एडजेक्टिव है, सिनोनिम इसका स्लाइट है, एंटोनिम इसका स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे रिंस। रिंस क्या होता है, वॉश करना, क्लियर करना, क्लीन करना, तो ये वर्ब है ग्रामेटिकली, सिनोनिम इसका वॉश और क्लीन आ जाएगा और इसका एंटोनिम डर्टी आएगा। उसके बाद वर्ड है एक्चुअल। हम कहते हैं एक्चुअल, दरअसल, हकीकतन, ठीक है, तो क्या, इन रियल, रियल में क्या है, रियलिटी में क्या है, उसकी एक्चुअलिटी क्या है, ये सेंटेक्स इसका एडजेक्टिव है, सिनोनिम इसका रियल आ जाएगा और एंटोनिम इसका फेक कर सकते हैं। नोशनल, एक होता है नेशनल, नेशनल क्या होता है, कौमी, एक होता है नोशनल, नोशनल किससे, नोशन से, नोशन क्या है आपका, तसव्वुर, तो ये नोशनल। ये डियर स्टूडेंट हमारे साथ, हमारे पास कुछ वर्ड्स, उनके सेंटेक्स, सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम हमने डिस्कस किए। अब हम बुक पढ़ेंगे आज। पैराग्राफ नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स एंड स्क्रैप्स। प्रीवियस हमने इसके लेक्चर में पढ़ा था, ट्रांसलेशन की थी फर्स्ट पैरा की, और सेकंड पैराग्राफ जो है हम पढ़ेंगे हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या होता है, मैनेजिंग, माइनर एक्सीडेंट, मामूली हादसात से निपटना, एट होम, घर पर, आर ऑन द रोड या फिर सड़क पर। डिवेल्प्स क्या करता है, हाइलाइट्स करता है, उजागर करता है, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल से निपटने के एहसास को हाईलाइट करता है, उजागर करता है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम आर ऑन द रोड, छोटे छोटे हादसा से घर पर या सड़क पर निपटना, डिवेल्प अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल से निपटने का एहसास उजागर करता है, पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर, ये वही एग्जाम्पल जो इन्फिनेटिव की आपको पहले दी जा रही थी, दिस में प्रिपेयर, ये तैयार कर सकता है, दिस में ट्रेन, दिस में यू मेक रेडी, ये आपको तैयार कर सकता है, दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है, टू टैकल, टू हैंडल, किसके लिए, टू कॉप विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, गैर मुतवक्को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये लोगों को तैयार कर सकता है, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, विद ग्रेट जील, बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ, दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है, टू टैकल, निपटने के लिए, विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, गैर मुतवक्को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये लोगों को तैयार कर सकता है, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। माइनर कार्ड्स, छोटे छोटे जख्म, छोटे छोटे गाव एंड स्क्रैप्स और खराशों को यूजली, अमूमन, ऑफन, डू नॉट नीड टू गो टू एमरजेंसी रूम, एमरजेंसी के कमरे में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, येट, लेकिन प्रॉपर केयर, मुनासिब एहत
एहतियात इज एसेंशियल, वो ज़रूरी होती है टू अवॉइड इन्फेक्शन, जरासीम जदगी से बचने के लिए और अदर कॉम्प्लिकेशंस या फिर दूसरी पचीदगियों से बचने के लिए। कहते हैं कि माइनर कट्स एंड स्क्रैप, छोटे छोटे खराशों, छोटे छोटे गाँव को छोटी छोटी खराशों को, छोटे छोटे जख्मों को यूजली डू नॉट नीड टू गो, अमूमन ज़रूरत नहीं होती टू गो टू द एमरजेंसी रूम, एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल के कमरे में ले जाने की इनको ज़रूरत नहीं होती। ये प्रॉपर केयर इज एसेंशियल, लेकिन मुनासिब एहतियात जो है इज एसेंशियल, इज इम्पोर्टेंट, इज इंटेग्रल, इज वाइटल, इज एसेंशियल टू अवॉइड, बचने के लिए, टू अवॉइड, टू शन, टू अब्सटेन, बचने के लिए इन्फेक्शन, जरासीम जदगी से बचने के लिए और अदर कॉम्प्लिकेशंस या फिर दूसरी पचीदगियों से बचने के लिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्जिल जो रहनुमाई है कैन हेल्प यू, आपकी मदद करेगी टू हैंडल कि कैसे निपटा जाए क्राइसिस हंगामी सूरत हाल से, एंड टेक केयर ऑफ ऑल कि कैसे अपने हम सब की, अपने तमाम अहलो अयाल की कैसे आपने हिफाजत करनी है। सबसे पहले तो यह है स्टॉप द ब्लीडिंग, इफ देर इज ब्लीडिंग, अगर कहाँ कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, हाउ कैन यू स्टॉप द ब्लीडिंग, आप उस ब्लीडिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हो। कह रहा है माइनर कट्स, छोटे छोटे जख्म एंड स्क्रैप्स और खराशों से यूजली अमूमन स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद खून निकलना बंद हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब किसी को खुदा न खास्ता कोई छोटा सा घाव, छोटा सा कट, छोटी सी स्क्रैप आ जाती है, छोटा सा बाउंड उसका बन जाता है, तो उससे अमूमन खुद ब खुद थोड़ी देर बाद जो है एक हेल्दी बॉडी का तकरीबन विद इन 1 or 2 minutes वो खून ऑटोमेटिकली निकलना बंद हो जाता है। कहते हैं माइनर कट्स एंड स्क्रैप, छोटे छोटे घाव और छोटे छोटे खराशों से यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर और खुद ब खुद खून निकलना बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर, अप्लाई अ माइल्ड फोर्स, हल्की सी, हल्का सा दबाव डालें विद अ क्लीन क्लोथ, एक साफ कपड़े के साथ और बैंडेज या फिर एक स्ट्रिप के साथ। कहते कि अगर ऐसा नहीं, अगर खून खुद ब खुद निकलना बंद नहीं होता तो आपने क्या करना है, इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव डालना है विद अ क्लीन क्लोथ, एक साफ कपड़े के साथ और बैंडेज या फिर किसी स्ट्रिप के साथ, पट्टी के साथ। होल्ड द प्रेशर कॉन्टिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds, 20 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड, कीप ऑन द प्रेशर, द फोर्स कॉन्टिन्यूसली, आप मुसलसल दबाव को जारी रखें फॉर 20 to 30 seconds, 20 से 30 सेकेंड्स तक। इफ पॉसिबल और अगर मुमकिन हो, एलिवेट टू रेज, एलिवेट एलिवेटर से ऊपर उठा ले द वाउंड, जख्म को, मतलब जो जख्म वाली सतह है उसको क्या करें, ऊपर की जानिब कर ले। डोंट कीप चेकिंग टू सी, देखने के लिए, डोंट कीप चेकिंग, बार बार मत देखें, टू सी ये देखने के लिए इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, आया कि खून का बहाव रुक गया है, बिकॉज क्योंकि दिस में डैमेज ये हटा सकता है, जिसमें डैमेज ये नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें हर्ट ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज द क्लॉट या फिर लोथड़े को हटा सकता है, डेट इज फॉर्मिंग, जो कि अभी अभी बनना शुरू हुआ है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, एंड कॉज ब्लीडिंग टू स्टार्ट अगेन, और दोबारा से खून के बहने का सबब बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए अमूमन तो ऐसा होता है कि छोटे छोटे घाव, छोटे छोटे खराशों से खून खुद ब खुद निकलना बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, देन यू हैव टू अप्लाई अ माइल्ड प्रेशर, आपको हल्का सा उस जख्म वाली जगह पर दबाव डालना है विथ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े के साथ और स्ट्रिप या फिर किसी पट्टी के साथ आपको उस खून के बहाव वाली जगह पर हल्का सा दबाव डालना है। अब जब आपने हल्का सा दबाव डालना है तो डोंट कीप चेकिंग, बार बार देखना नहीं है, टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, ये देखने के लिए कि खून जो है वो रुक गया है कि नहीं रुका है, क्योंकि ये क्या होगा, दिस में काज द ब्लीडिंग रिज्यूम, ये दोबारा से खून के बहने का सबब बन सकता है, या फिर वो एक लोथड़ा, वो एक क्लॉट, वो एक खून का टुकड़ा जो कि बनना शुरू हुआ है उस जख्म के ऊपर, वो अपनी जगह से हट सकता है। तो डोंट कीप चेकिंग। इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून जो है जख्म से फुहारे की सूरत में निकलता है और कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग या फिर मुसलसल बहता रहता है आफ्टर कॉन्टिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद भी, तो फिर क्या करना है, सीक मेडिकल असिस्टेंस, सीक मेडिकल हेल्प, आपको तिब्बी मुआवनत दरकार है, आप तिब्बी मुआवनत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन द वाउंड,
जख्म को साफ, हाउ टू क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ कैसे करना है, कहते रिंस आउट, वॉश आउट, धो दें द वाउंड, जख्म को विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ, टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें, एंड अ वॉश क्लोथ, और एक धुले हुए कपड़े का इस्तेमाल करें, बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, बट सोप कैन बर्न द वाउंड, लेकिन साबुन जो है वो आपके जख्म वाली जगह पर सोजिश पैदा कर सकता है, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, सो ट्राई टू कीप इट अवे, चुनाचा इसे साबुन को दूर रखे, आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, आउट ऑफ द रियल वाउंड, जो हकीकी जख्म है, जो असल में जो जख्म बना है, उससे साबुन को आप दूर रखें, उसके इर्द गिर्द के एरिया को जो है वो साबुन से आप धो दें। इफ डर्ट और डेब्रीज, अगर गर्द, डर्ट गर्द और डेब्रीज, या फिर छोटे छोटे जर्रात, गर्द के छोटे छोटे जर्रात रिमेन इन द वाउंड, जख्म में बाकी हैं आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज ट्वीजर्स, छोटी चिमटियों का इस्तेमाल करें, क्लीन विद अल्कोहल, जो कि अल्कोहल से धुली हुई हो, टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे जर्रात को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, यूज ट्वीजर्स, क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल, इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन, लेकिन अगर फिर भी जर्रात जख्म में मौजूद रहते हैं, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रुजू करें, थोरो क्लीनिंग, मुकम्मल तौर पर सफाई, रिड्यूसेस लेसंस, कम कर देती है द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम जदगी के खतरे को, एंड टेटनस और अकराहट या तशनस के खतरे को कम कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर, इसमें हमने ट्रांसलेशन पढ़ी, वर्ड्स जो थे उसके सैनोनिम्स, उसका सेंटेक्स, उसके एंटोनिम्स पे बात हुई, इन्फिनिटिव के मतलब, और आपने क्या करना है, ये पूरे वाइल रीडिंग द टेक्स्ट, आपने जो भी इसमें इन्फिनिटिव आएगी, जेरंड आएगा, या प्रीफिक्स का यूज़ होगा किसी वर्ड के साथ, वो आपने उसको हाईलाइट करके अपनी असाइनमेंट बना कर मुझे सेंड करनी है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।